हम लोग अपने ईमानदारी के बल पर इस संगठन को खगड़िया के अंदर जो 7 संगठन चल रहा है आप लोगों के सामने भलीभांति दिखाई दे रहा है कि आपके जिले के अंदर संगठन किस किस रूप में काम कर रहे हैं। हमें लगता है इस जिले के तमाम विद्वान शिक्षकों के या विभिन्न संगठनों में जो दिखाई दे रहा आपके संगठन का चेहरा, वह संगठन सही मायने में पुराने संगठन को भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ खामियां हम लोगों में है। अभी जैसा सुन रहे थे, संगठन से हट करके भी हम लोग कुछ न कुछ निर्णय लेकर के कुछ न कुछ कर गुजरते हैं। यह एक बहुत बड़ा हम लोगों को कमजोर करता है, चूंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए जिले के अंदर 7 ब्लॉक है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है तो एक दूसरे प्रखंड में इसका मैसेज जाता है जो गलत प्रभाव देता है। इसलिए हम लोगों को हर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यदि हमारे प्रखंड में कोई ऐसा समस्या आता है, हम दूसरे प्रखंड से भी उसका जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि हम दूसरे जगह से भी यह सूचना, यह संबंधित सूचना का जानकारी हम लें कि वहां क्या चल रहा है। फिर जिला से संपर्क साधना चाहिए, जिला से संपर्क करके उस पर विचार करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, जहां तक इस जिले के अंदर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बीच जो चल रहा है वह बहुत ही पूरे बिहार के पैमाने पर खगड़िया जिला का पदाधिकारी बहुत पीछे है। शिक्षकों के साथ जो व्यवहार इनका हो रहा है वह बहुत दुखदाई है। जैसा कि हम लोग आसपास के जिले में देख रहे हैं, एरियर का भुगतान हो या फिर वेतन का भुगतान हो, खगड़िया से बहुत पूर्व आपके बेगूसराय हो, बगल में सहरसा हो, भागलपुर है, ये सारे के सारे जगह खगड़िया से बहुत पहले मिल गया हुआ है, लेकिन एक यहां जो हम देख रहे हैं खगड़िया में, ये संगठन के कमजोरी के बदौलत हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठन वह पूरे जिला के अंदर पूरे एक नंबर का संगठन है।